कराची में रखवाले लुटेरे बन गए। खयाबाने राहत में बंगले में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर तैनात थे कि नियत खराब हो गई। गुज़िश्ता रोज 30 लाख रुपए लूट कर अंदरूने सिंध फरार हुए। जो जामशोरो टोल प्लाजा है वहां पे एक टीम डिप्यूट हुई जामशोरो पुलिस की, डीएसपी देशक की सरबराही में, और उन्होंने वहां पे मुलजमान को अरेस्ट किया। दोनों मुलजमान ने चीनी बाशिंदे को ना सिर्फ लूटा बल्कि जख्मी भी किया। जो मुख्तलिफ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं शहर में, उनके जो हायरिंग का तरीका है या उनके अंदर जो स्टाफिंग का तरीका है उसके ऊपर एक सीरियस रिव्यू करना चाहिए। जख्मी चीनी बाशिंदे के रिश्तेदार ने भी पुलिस कारकर्दगी को सराहा। हुक्काम के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक अंदरूने सिंध से है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची।